देखो लास्ट में क्वेश्चन कुछ छोड़े थे, पहले वो कर लेते हैं। पहले ये 16 नंबर देख लो। 16 नंबर में तो एक ही फॉर्मूला यूज होना है। इसमें कह रहा है कि टू साउंड वेव्स, वन इन एयर एंड अदर इन फ्रेश वाटर, आर इन इक्वल इन इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी इक्वल है, यानी एयर का इंटेंसिटी इज सेम एज वाटर में इंटेंसिटी, तो हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा पी एयर स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स रो एयर वी एयर इज इक्वल टू डेल्टा पी वाटर स्क्वायर अपॉन टू रो वाटर एंड वी वाटर। तो यहाँ से हमको डेल्टा पी वाटर अपॉन डेल्टा पी एयर होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, रो डब्ल्यू अपॉन रो ए इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी ए। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर रो डब्ल्यू हमको लिख रो डब्ल्यू लिख लेंगे 1000 एंड रो एयर दिया हुआ है 1.22, वी वाटर दिया हुआ है 1488 एंड वी एयर है 340। तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 3587 के आसपास। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3600 बोल दें, तो इसका रूट लेने के बाद, यानी डेल्टा पी वाटर अपॉन डेल्टा पी एयर, इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है ना, बोलिए। ऐसे ही इसका बी पार्ट भी है, सेम फॉर्मूला लगाना है। 18 देखो, 18 में कह रहा है कि लाउडनेस लेवल। देखो एक बात समझना, जैसे पॉइंट सोर्स होता है, तो पॉइंट सोर्स के लिए खास बात ये होती है कि अगर हम पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, तो जो इंटेंसिटी होगी वो होती है पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर लाइन सोर्स है समझो, तो लाइन सोर्स से जो भी एनर्जी एमिट होगी वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड एमिट होगी, और सिलेंड्रिकली आउटवर्ड एमिट होने की वजह से अगर हम इस लाइन सोर्स से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी लिखें, तो आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पी अपॉन 2 पाई आर एल, यानी कि जो इंटेंसिटी है वो 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के केस में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तीन केस हैं, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये लाइन सोर्स के ऊपर है। तो कह रहा है आर डिस्टेंस पे लाउडनेस लेवल दिया हुआ है, डिस्टेंस कह रहा है कि अगर 10 आर कर दें तो लाउडनेस लेवल क्या होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या R2 अपॉन R1 होगा। R2 की वैल्यू 10 आर, R1 की वैल्यू आर, तो ये वैल्यू 10 आ रही है। तो लाउडनेस लेवल का जो डिफरेंस है वो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 10 log base 10 I1 अपॉन I2। तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये 10 dB आ जाएगी। और डेल्टा एल का मतलब होगा L1 माइनस L2। L1 बड़ा है, L2 छोटा है, तो L1 की वैल्यू दी हुई है 40 dB, L2 हमको निकालना है, तो L2 यहाँ से 30 dB आ जाएगा। देखो क्लियर है पहला आंसर। और हमको मालूम है कि I1 अपॉन I2 जो है वो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 होल स्क्वायर के भी बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू 10। तो डेल्टा P2 कितना आ जाएगा, डेल्टा P2 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा P1 अपॉन √10। तो ये 0.01 अपॉन √10 मीटर में आ जाएगा। तो अगर मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये 10 मिलीमीटर अपॉन √10 हो जाएगा। देखो 18 क्वेश्चन, कोई डाउट है या समझ में आ गया, बोलिए। एटीन क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। ठीक है, 19th देखो। 19 में कह रहा है टू आइडेंटिकल साउंड्स ए एंड बी रीच अ पॉइंट इन सेम फेज। तो देखो अगर फेज सेम है तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो 2a हो जाएगा। क्यों भाई, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया है।
रिजल्टेंट एसएचएम में हम लोगों ने सुपर पोजिशन पढ़ा था, तो अगर दो एसएचएम्स के बीच में जीरो फेज डिफरेंस है तो एम के एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सीधे सीधे ए वन प्लस ए टू हो जाएगा, और अगर ए वन ए टू की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू ए के बराबर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर टू ए है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो फोर आई होगी, तो अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फोर आई हो गई है तो लाउडनेस लेवल में जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा टेन लॉग बेस टेन फोर आई अपॉन आई, तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये सिक्स डीबी आएगा, यानी इंडिविजुअली जितना आता डेसिबल उससे सिक्स डेसिबल ज्यादा आएगा, ठीक है ना? बताओ 19 क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर दो पॉइंट्स में जो चैप्टर में बचे हुए हैं। पहला हेडिंग है बीट्स फेनोमेना। अच्छा, बीट्स फेनोमेना क्या है? तो इसके लिए मैंने अभी आज तुमको दो वीडियोस दिए थे, तो जो पहला वाला वीडियो था उसमें बीट्स के बारे में बात करता है लास्ट में, देख लिया एक बार? क्यों भाई? उसमें क्या है ना कि दो सोर्सेज, बीट्स का मतलब ये, देखो अगर दो साउंड के सोर्सेज हमने लिए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज में अगर थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों सोर्सेज को हम एक साथ साउंड करते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट साउंड सुनाई देता है ना वो हमको ऐसा लगता है कि बीच बीच में उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है ना? मतलब बीच बीच में हमको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये जो लाउड साउंड का अकरेंस है एट रेगुलर इंटरवल इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स, ठीक है ना? एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स होंगे तो कोई बीट्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो हमको उसमें लाउड साउंड जो सुनाई दे रहा है बीच बीच में उसको हम लोग बोलते हैं बीट फेनोमेना, ठीक है ना? तो इसमें हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, लिखना इसमें व्हेन टू साउंड वेव्स ट्रैवलिंग, साउंड वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, superimpose at a point the resultant intensity varies periodically with time, varies periodically with time। तो आगे लिखेंगे the occurrence of loud sound at regular interval is called beats, ठीक है ना? बीट्स का मतलब ही यही है, द अकरेंस ऑफ लाउड साउंड एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड बीट्स, और प्रोड्यूस कब होगा? साउंड वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? अब इसको जरा हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं और देखते हैं कि इसका जो यूज आएगा यूज क्या आएगा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हम ये सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल याद है, ये एसएचएम वाला सर्कल ही है, ऐसे समझ लो, ये एसएचएम वाला सर्कल ही है,
और मैंने क्या किया है कि दो अलग अलग पार्टिकल के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक पार्टिकल है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन है, टी इक्वल टू जीरो, और दूसरा पार्टिकल है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है और ये टी इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो तो क्या दोनों पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हो रहे हैं, दिख रहा है? तो ये बताओ कि व्हाट इज स्टार्टिंग फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स? क्यों भाई, व्हाट इज स्टार्टिंग फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स? क्यों भाई, जीरो जीरो फेज डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ कि मान लेते हैं कि ओमेगा टू बड़ा है या ओमेगा वन बड़ा है सपोज, ठीक है, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा क्या वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ बढ़ता जाएगा? सर, तो दोबारा ये सेम फेज में कब आएंगे? दोनों का एलसीएम दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है अगर हम इसको टाइम के फंक्शन में लिखें तो ये फेज डिफरेंस बनेगा ओमेगा टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी। अब ध्यान देना, जब जब ये फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होगा तब तब दोनों साउंड वेव सेम फेज में होंगी, और अगर सेम सर फेज में होंगी तो क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, होगी ना? तो अगर स्टार्टिंग में इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो मेरा क्वेश्चन है कितनी देर के बाद वही इंटेंसिटी दोबारा मैक्सिमम होगी? तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब ये टू पाई फेज बाई डिफरेंस ओमेगा वन माइनस टू पाई ओमेगा हो टू जाएगा, क्यों भाई? यस सर, टू पाई ठीक है बाई ना? ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू यस, तो ऐसे बोल सकते हैं इंटेंसिटी इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम अगेन व्हेन दे आर इन सेम फेज, व्हेन दे आर इन सेम फेज। और सेम फेज का मतलब यह है कि जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई हो जाए, क्यों भाई? तो यहां से अगर हम इसको 2 पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू तो ये क्या बनेगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी। तो यहां से ओमेगा वन ओमेगा टू को भी अगर हम मान लो ओमेगा वन को लिख देते हैं 2 पाई न्यू वन, ओमेगा टू को लिख देते हैं 2 पाई न्यू टू, और ये जो टाइम है कितनी देर के बाद ऐसा होगा तो ये टाइम कितना आएगा यहाँ से निकल के, तो देखो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो टाइम आएगा 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो इसी टाइम का जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग बोल देंगे बीट फ्रीक्वेंसी, न्यू वन माइनस न्यू टू, मॉड लगा देते हैं जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ध्यान से, पहले देखो ये जो टी निकाला है ये टी वो टाइम है जितनी देर के बाद दोबारा मैक्सिमम सुनाई देगा। अब हमें चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी बार मैक्सिमम सुनाई देगा, तो क्या 1 अपॉन टी कर दे? तो 1 सेकंड में कितनी बार सुनाई देगा मैक्सिमम साउंड वो कहलाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी है, और तुम ध्यान से देखो क्या ये न्यू वन माइनस न्यू टू के इक्वल आ रही है। मॉड हमने इसलिए लगा दिया जिससे कि हम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करें, बताओ, ठीक है? नीचे इसमें नोट करके लिख देना एक दो पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये लिख देना कि बीट्स आर ऑडिबल ओनली इफ बीट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 16 हर्ट्स, ठीक है? ध्यान से समझना, एक होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमको 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स के बीच की सुनाई देती है, लेकिन ये बात चल रही है बीट्स फ्रीक्वेंसी की। बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि बीच बीच में जो लाउड साउंड आ रहा है अगर वो लाउड साउंड बहुत जल्दी जल्दी आएगा ना तो हमारे जो कान है उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हम उसको डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे जब उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस 16 हर्ट्स से कम होगा। 16 हर्ट्स से अगर ज्यादा हुआ तो हमारे कान को ऐसा लगेगा कि एक जैसा ही साउंड है। बात समझ में आई? मतलब जो अकरेंस है वो हमें ऑडिबल तभी बनेगा जब वो 16 हर्ट्स से कम बनेगा। सेकेंड पॉइंट में बोल सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ बीट्स कैन बी यूज्ड
to find frequency of an unknown source by sounding it together with a known frequency source. By sounding it together with a known frequency source. एक बार इसको देख लो, बस इतना ही है जितना थ्योरी में, बस इतना ही है. देखो बीट्स में तुम्हें सिंपली याद रखना है कि अगर दो साउंड सोर्सेज एक साथ साउंड कर रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस है तो बीट सुनाई देंगे. कितने बीट सुनाई देंगे एक सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज सिंपली न्यू वन माइनस न्यू टू. बट फॉर्मूला बहुत छोटा सा है. देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं. देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, करो इसको ट्राई. देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये. इसमें कह रहा है सोर्स ऑफ साउंड विद एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 474 और 482. यानी कि एक ऐसा सोर्स है जो 474 और 482 इन दोनों के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है. तो इन दोनों के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस करने का मतलब है कि इन दोनों से उसका जो डिफरेंस है वो 4 हर्ट्ज का है. तो 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है यानी कि 478 हर्ट्ज हो गया. सीधे सीधे बोलिए, कर लिया ना सभी ने? यस सर. और देखो डीपीपी में से करते हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 27. देखो करो ट्राई. देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है. कह रहा है टू सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून. आउट ऑफ ट्यून मतलब दोनों के बीच में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो गया है. एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज. ठीक है. द टेंशन इन स्ट्रिंग बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू डिक्रीज बाई 3 हर्ट्ज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 425. अब ऐसे देखना, ए का फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ है, ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 425 हर्ट्ज. ठीक है. और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है वो 5 हर्ट्ज का है. यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो न्यू बी की वैल्यू 420 हर्ट्ज रही होगी या फिर न्यू बी की वैल्यू 430 हर्ट्ज रही होगी. दो ऑप्शन है. 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है 425 के साथ, तो 420 हो सकता है या 430 हो सकता है. अब इनमें से कौन सा है उसके लिए उसने और एक अगली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अगर हम बी का टेंशन बढ़ाएंगे तो अब देखो फ्रीक्वेंसी और टेंशन का क्या रिलेशन है मालूम है. फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन. तो अगर हम टेंशन इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बढ़े जिससे कि डिफरेंस इसके साथ कम हो जाए. भाई टेंशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी और ये वैल्यू भी बढ़ेगी, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए जिससे कि इसके साथ जो डिफरेंस है वो कम हो जाए. 420 लेंगे. 420 लेनी चाहिए. क्लियर है, बताओ क्वेश्चन. तो बस 420 आंसर हो गया. ठीक है ना. व्हेन टेंशन इंक्रीजेस frequency increases and difference with 425 hertz decreases, hence nu b is equal to 420 hertz. ठीक है, बताओ. और देखो 25 देखो. देखो इस केस में क्या करना है. 5 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज साउंडेड विद अ सोनोमीटर वायर अंडर टेंशन. ठीक है. व्हेन द लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज आइदर 0.95 और 1 मीटर. तो देखो सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी है
उसको लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.95 जब रहा होगा तो सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो ट्यूनिंग फॉर्क का जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उससे 5 बीट्स ज्यादा रहा होगा, और जब उसकी लेंथ 1 मीटर करेंगे तो वो उससे 5 बीट्स कम रहा होगा. बताओ, बोल सकते हैं ऐसा? तो पहले केस में, पहले केस में लिख सकते हैं कि न्यू नॉट प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L, L की जगह 0.95 और अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू. ये इक्वेशन 1 आएगी. और दूसरी बनेगी न्यू नॉट माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अंडर रूट टी बाई म्यू. तो यहां से न्यू नॉट निकालना है. क्या करेंगे अब, डिवाइड करते हैं क्या? तो न्यू नॉट प्लस 5 अपॉन न्यू नॉट माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.95. तो क्या आता है सॉल्व करके? 195 आता है. बताओ इक्वेशन कैसे बनाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछो. बोलिए. ठीक है ना? ठीक है. तो बीट्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बीट्स में इतना ही है. और फिर लास्ट पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट. अच्छा, डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोग ये बोलते थे कि साउंड या कोई भी वेव जब भी किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है. याद है ये बात बोली थी? तो वेव कभी भी जा रही हो, रिफ्लेक्ट हो रही हो, रिफ्रैक्ट हो रही हो, ट्रांसमिशन हो रहा हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि पिच, जो हमको आवाज पतली या मोटी सुनाई देती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. अब डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है कि देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी हो गई वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी हो गई जो हमको सुनाई दे रही है. अब हमको सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग हो सकती है अगर सोर्स और लिसनर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. समझना ध्यान से, इसको मैं समझाता हूँ कैसे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, बाकी तो फिर इसमें फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड से. जैसे मान लो कि ये मैंने एक सोर्स लिया है, ठीक है, ये सोर्स हो गया, ठीक है, और ये सोर्स जो है कंटिन्यूअसली वेव फ्रंट एमिट कर रहा है. वेव फ्रंट का मतलब ये हो गया, इसमें से जो साउंड वेव एमिट हो रही है, इसमें से जो साउंड वेव एमिट हो रही है, उस साउंड वेव में क्या कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन होंगे कि नहीं होंगे? तो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, तो मैं ऐसे सपोज कर लो कि ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं कंप्रेशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और ये सारे के सारे कंप्रेशन जो हैं ये आगे की तरफ बढ़ेंगे कितनी स्पीड से, तो ये आगे बढ़ेंगे साउंड की स्पीड से, और कोई भी दो कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा, और ये सोर्स जो है ये इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक, और इधर है दूसरी तरफ लिसनर, ठीक है. तो अगर ये लिसनर भी रेस्ट पे है तो ये बताओगे कि इसके पास जब ये वेवफ्रंट पहुंचेंगे, जब ये कंप्रेशन पहुंचेंगे, तो इसके पास ऐसे बोल सकते हैं जितने एक सेकंड में निकलेंगे उतने ही इसके पास पहुंचेंगे. बताओ, जितने एक सेकंड में निकलेंगे उतने ही इसके पास एक सेकेंड में पहुंचेंगे भी. बोल सकते हैं ये बात, क्योंकि निकलने का रेट और पहुंचने का रेट सेम है. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जिस रेट से निकल रहे हैं वो हो गई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी,
भाई एक सेकेंड में कितने कंप्रेशन निकलेंगे, वही तो फ्रीक्वेंसी है, और एक सेकेंड में कितने कंप्रेशन उसके पास पहुंचेंगे वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो जब इसके पास पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, रेट एट विच दीज कंप्रेशंस आर रिसीव्ड इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं न्यू अपेरेंट, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि रेट एट विच दे आर एमिटेड फ्रॉम सोर्स इज कॉल्ड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो अगर दोनों रेस्ट पे हैं, यानी सोर्स भी रेस्ट पे है और लिसनर भी रेस्ट पे है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जितने वेव फ्रंट्स पर सेकंड निकल रहे होंगे उतने ही वेव फ्रंट लिसनर के पास पहुंच रहे होंगे? पहले इस बात से सभी लोग एग्री करते हो, बताओ क्यों भाई? यस सर। अब तो मुझे ये बताओ कि अगर ये आदमी इधर से इधर दौड़ने लगे तो क्या होगा? अगर ये दौड़ने लगे टूवर्ड्स सोर्स, तो ये जो कंप्रेशन उसको मिल रहे थे पहले जिस रेट से मिल रहे थे और अब जिस रेट से मिलेंगे, क्या लगता है? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? इसका मतलब लिसनर अगर सोर्स की तरफ भागेगा तो इसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर ये दूर जाएगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। सेम वही चीज सोर्स के लिए बोलते हैं कि अगर सोर्स आगे आएगा तो क्या होगा कि सोर्स आगे आके वेवफ्रंट को एमिट करेगा, तो उससे क्या होगा कि वेवफ्रंट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से लिसनर के पास फिर से वो फास्टर रेट से पहुंचेंगे। भाई अभी दो कंप्रेशन के बीच में टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करेगा दोनों के बीच में लैंडा और स्पीड से। तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो उसी स्पीड से चल रहे होंगे तो ज्यादा कवर हो जाएंगे, ज्यादा रिसीव होंगे। तो बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट इसी से रिलेटेड है। डॉपलर्स इफेक्ट में हम लोग अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन लिखते हैं। और फाइनली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो याद रखने, उनका प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना? प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। बोलो तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है तुम्हें? पहले केस में व्हेन लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स विथ V नॉट, तो मान लेते हैं कि लिसनर अगर V नॉट स्पीड से सोर्स की तरफ जा रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू, हम इसमें लिखेंगे V साउंड प्लस VO अपॉन V साउंड, ठीक है? ये तो हो गया टूवर्ड्स का केस। अब अगर यही लिसनर, सपोज कर लो यही लिसनर अवे जा रहा हो, व्हेन लिसनर इज moving away from source with V naught, तो अगर ये V naught speed से away जा रहा है तो उस केस में जो apparent frequency आएगी तो new actual into, जहां हमने plus VO लिखा हुआ है वहां पे minus VO हो जाएगा, तो it is simply V sound minus VO upon V sound। देखो अगर तुम ये ध्यान रखते हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब ये बताओ कि पहले केस में ज्यादा होगी तो ज्यादा करने के लिए न्यूमरेटर बढ़ाएंगे और दूसरे केस में कम करने के लिए न्यूमरेटर को घटाएंगे, कम करेंगे, तो ये तुम्हें याद रह सकता है ये प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, क्यों भाई? सी पार्ट में लिखेंगे व्हेन source is moving towards listener with vs, मान लो source vs velocity से जा रहा है तो उस केस में जो new apparent होगा
दैट वुड बी न्यू एक्चुअल. अब देखो सोर्स की वेलोसिटी में जो ऑल्टरेशन करना होता है वो डिनोमिनेटर में करना होता है. तो अभी बताओ कि न्यू अपेरेंट ज्यादा आएगा या कम आएगा इस केस में. न्यू अपेरेंट न्यू एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा. ज्यादा होगा. अब ज्यादा आने के लिए प्लस वी एस किया जाए या माइनस वी एस. माइनस कर दी. माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें. और डी पार्ट में व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर विथ वी एस. तो अवे फ्रॉम लिसनर विथ वी एस है तो न्यू अपेरेंट क्या हो जाएगा. न्यू अपेरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इन टू वी साउंड अपॉन वी साउंड प्लस वी एस. देखो बस तुम्हारे सामने ये चार फॉर्मूले हैं जो तुम्हें दिमाग में बिठाने हैं. अगर दोनों ही मूविंग होंगे तो हम ऊपर भी चेंज करेंगे और नीचे भी चेंज करेंगे. देखो ध्यान से बताओ. अगर दोनों ही मूविंग होंगे तो हम ऊपर न्यूमरेटर में भी चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर में भी चेंज करेंगे. बताओ. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई सोर्स है, दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वी एस एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद वी ओ. तो बताओ कि न्यू अपेरेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा. न्यू अपेरेंट इज इक्वल टू वी माइनस वी एस. क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में. वी प्लस वी ओ वी साउंड प्लस वी ओ अपॉन वी साउंड माइनस वी एस. माइनस वी एस. बताओ भाई सभी को क्लियर है ये. यस सर. दिस कॉल कर दिए सर. हां नोट कर लो आराम से. देखो ये नीचे क्लियर है. देखो डॉपलर इफेक्ट में ही एक दो बातें और है जो तुम ध्यान रखो क्वेश्चंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे कि व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर नॉट मूविंग अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग. They are not moving along their line joining. मतलब ये कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि सोर्स सपोज इधर जा रहा है वी एस वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है वी ओ वेलोसिटी से बीटा एंगल पे. तो बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा. क्यों भाई न्यू अपेरेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा इस बार. इसमें अब की बार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे टुवर्ड्स की तरफ दोनों ही कंपोनेंट लेंगे. बस ये ध्यान रखेंगे ठीक है ना. यानी इसका इधर कंपोनेंट आएगा vs cos अल्फा और इसका इधर कंपोनेंट आएगा v नॉट cos बीटा. फार्मूला लिख दो फिर से क्या आएगा. तो न्यू अपेरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल क्या लिखेंगे v साउंड प्लस v नॉट cos बीटा अपॉन v साउंड माइनस वी साउंड माइनस वी एस कॉस अल्फा. देखो ध्यान से ठीक है. फर्स्ट केस. सेकेंड पॉइंट में व्हेन wind is also blowing in some direction. When wind is also blowing in some direction, मतलब कैसे. सपोज सोर्स है, सोर्स इधर जा रहा है वी एस वेलोसिटी से, विंड की वेलोसिटी इधर की तरफ है वी विंड, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है वीओ वेलोसिटी से.
तो जरा बताओगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखो करना क्या होता है हमको, हमें ये देखना होता है कि साउंड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुम इस केस में देखो अगर, तो ये जो कंप्रेशन है वो किधर की तरफ जा रहे हैं बताओगे? क्या ये कंप्रेशन राइट साइड में जा रहे हैं? और ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया होता है ये हमेशा दिया होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में। अब तुम ये बताओ कि साउंड अगर राइट में जा रहा है, साउंड राइट में जा रहा है, तो विंड उसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे उसमें हम विंड वाली वेलोसिटी ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में सोर्स किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, साउंड किधर जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो साउंड तो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ ही जाएगा जहां लिसनर है। तो क्या करो, पहले इसका तुम फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला बनाने से मतलब ये है कि मान लो अगर विंड नहीं है तो क्या करोगे? तो विंड नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे V साउंड डैश माइनस वी ओ अपॉन V साउंड डैश प्लस वी एस। ये क्लियर है पहला स्टेप? बताओ पहले तो, ये मैंने अभी सिर्फ फॉर्मूला बनाया हुआ है, अभी V साउंड की वैल्यू नहीं रखी है। V साउंड की वैल्यू रखेंगे तो उसमें देखेंगे कि V विंड को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में विंड वाली जो वेलोसिटी है वो साउंड वाली वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है, तो V साउंड की जगह V साउंड प्लस V विंड आएगा। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में भी V साउंड की जगह V साउंड प्लस V विंड आएगा एंड प्लस Vs। देखो क्लियर है ये? सेकंड पॉइंट बताना, कहीं डाउट है तो। सोर्स किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है साउंड किधर जा रहा है। बोलो क्लियर है दोनों पॉइंट? और देखो थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इसका क्या मतलब हुआ जरा देखते हैं। मान लेते हैं कि एक कार ड्राइवर है और उस कार के ऊपर सायरन भी लगा हुआ है और ये कार जो है V1 वेलोसिटी से जा रही है, ड्राइवर हो गया ठीक है, और ये जो सायरन है इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है न्यू नॉट ठीक है, और सामने एक वॉल है और हम मान लेते हैं कि वॉल भी चल रही है सपोज, और वॉल इधर आ रही है वी वॉल से, तो हमें ये पता करना है एक आदमी यहां पे है बीच में, सब ले लिया मैंने ठीक है ना, ये हो जाएगा ड्राइवर और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर है सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये बताओ कि ऑब्जर्वर को कितने साउंड सुनाई देंगे? क्यों भाई, कितने तरह की फ्रीक्वेंसीज उस ऑब्जर्वर को सुनाई देंगी? तो एक तो सुनाई देगी डायरेक्ट साउंड, क्यों भाई, जो डायरेक्ट जीप से आ रही होगी, और एक उसको सुनाई दे रही होगी वॉल से रिफ्लेक्ट होके। तो देखो डायरेक्ट क्या सुनाई दे रही होगी वो तो हम लिख ही सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हो क्या बनेगी? डायरेक्ट उसको क्या सुनाई देगा? न्यू डायरेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा न्यू एक्चुअल इनटू क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वी साउंड अपॉन
वी साउंड माइनस वी वन. बताओ इसमें कोई डाउट है तो इक्वेशन वन में. हमें तो चाहिए था कि रिफ्लेक्ट होके उसको क्या सुनाई देगा. अब देखो रिफ्लेक्ट होके क्या आएगा उसके लिए हमको एक टेक्निक लगानी पड़ेगी. टेक्निक ये है कि हम पहले ये देखेंगे कि वॉल पे क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है ना. अच्छा वॉल पे क्या सुनाई दे रहा है का मतलब ये है कि जैसे बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो मान लो कि दीवार पे भी एक कान लगा हुआ है, ठीक है ना. तो मैं मान लेता हूँ कि दीवार पे क्या सुनाई दे रहा है, वॉल पे क्या सुनाई दे रहा है. मान लो वॉल पे भी अगर एक ईयर है उसको मैं बोल रहा हूँ न्यू वॉल. तो जरा बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. तो वॉल आगे जा रही है, सोर्स वी वन से इधर आ रहा है, तो न्यू वॉल की वैल्यू बनेगी न्यू नॉट इनटू, देखना ध्यान से, वी साउंड प्लस वी वॉल अपॉन वी साउंड माइनस वी वन. इस इक्वेशन टू में किसी को डाउट है तो बताओ पहले बोलो. न्यू वॉल मैंने क्या निकाला है, मैंने मान लिया है कि वॉल पे भी कुछ सुनाई दे रहा है, तो वॉल को क्या सुनाई दे रहा है. तो मान लो वॉल एक ऑब्जर्वर है, वॉल खुद एक लिसनर है, तो एज अ लिसनर उसको क्या सुनाई देगा. लिसनर इज ऑल्सो मूविंग विद वी वॉल वेलोसिटी टुवर्ड्स सोर्स. तो फॉर्मूला हमने लगाया दोनों मूविंग का लगाया, दोनों मूविंग एक दूसरे की तरफ. बताओ अब क्या करो, जो भी उसको सुनाई दे रहा था उसी फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ एक सोर्स एज्यूम कर लेंगे. मान लेंगे कि पहले जो सुनाई दे रहा था दैट बिकम्स न्यू वॉल और अब वो एस डैश बन गया है. और अब तुम ध्यान से देखो तो ये सोर्स जो है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, फिर से वी वॉल से. तो इस लिसनर को क्या सुनाई देगा, तो न्यू रिफ्लेक्टेड ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है न्यू वॉल इनटू, अब लिसनर तो रेस्ट पे है तो इसको लिखेंगे वी साउंड अपॉन वी साउंड माइनस वी वॉल. बताओ बिकॉज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स लिसनर. ये एक्सप्रेशन क्लियर है. और न्यू वॉल की वैल्यू उठा के तुम यहां रख दो, न्यू वॉल की वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी जो ऑब्जर्वर को रिफ्लेक्ट के बाद सुनाई देगी, रिफ्लेक्टेड के बाद सुनाई देगी. तो वॉल वाले क्वेश्चन करने का बस तुम्हें बेसिक तरीका यही बता, ध्यान रखना है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखना है कि पहले वॉल पे लगा दो एक डमी लिसनर, वॉल खुद एक डमी लिसनर हो गया, तो उस लिसनर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, फिर जितनी फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का एक सोर्स बना दो वॉल के ऊपर ही. तो अब वो मतलब दो स्टेप का काम हो जाएगा, सिंगल स्टेप में नहीं होगा रिफ्लेक्शन में. पहले ये है कि हमको परसीव क्या हो रहा है और फिर सेकेंड स्टेप में ये है कि वो एमिट क्या करेगा. ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, इसमें कोई डाउट है बताओ. क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, बट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है ना. कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले वॉल पे एक डमी लिसनर बिठाओ, उस डमी लिसनर को क्या सुनाई दे रहा है वो कैलकुलेट करो, फिर जो भी उसको सुनाई दे रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का वहां सोर्स लगा दो. क्लियर है ये स्टेप, बताओ. बोलिए कोई डाउट है तो. और एक पॉइंट और लिख देंगे, वेवलेंथ ऑफ एपरेंट साउंड वेव. तो देखो ऊपर जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि हमसे वेवलेंथ के बारे में पूछ ले. तो क्या करोगे वेवलेंथ निकालने के लिए, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या वेवलेंथ है, ये बनेगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड डिवाइडेड बाई एपरेंट फ्रीक्वेंसी टू द ऑब्जर्वर. मतलब जो वेलोसिटी उसको दिखाई दे रही है साउंड की वो, और जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई दे रही है, डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा बस. तो लैम्डा के लिए मैं अलग से कोई फॉर्मूले नहीं बता रहा हूं. तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है, फिर हम फ्रीक्वेंसी को जरूरत पड़ने पे लैम्डा में कन्वर्ट कर लेंगे. थ्योरी में पॉइंट इतने ही है, फिर क्वेश्चंस करते हैं फिर इसमें हम लोग. बोलिए देखो,
देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहले, देखो करो ट्राई। देखो इसमें क्या कह रहा है, अ ट्रेन मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 34 मीटर पर सेकेंड, द ट्रेन साउंड्स अ विसल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय ऑब्जर्वर इज F1। तो हम इसको लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, अब उसका जो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा, न्यू एक्चुअल इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्यों भाई। फिर कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस टू 17 द रजिस्टर्ड फ्रीक्वेंसी इज F2, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F2 के लिए हो जाएगा न्यू एक्चुअल इनटू 340 अपॉन 340 माइनस 17, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो यहां से डिवाइड कर दो F1 अपॉन F2, क्यों भाई कितना आ जाता है, 19 अपॉन 18, कर लिया था सभी ने, बताओ। यस सर, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बस ये है। और देखो थर्टीन, देखो थर्टीन देखिए, देख लो इसका प्रोसेस क्या है। टॉय कार यानी कि एक सोर्स, एंड सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम अ वॉल विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इधर की तरफ हो गई मान लेते हैं वॉल, ठीक है, और इधर हो गया ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को एक तो डायरेक्ट साउंड सुनाई देगा और एक रिफ्लेक्टेड, तो पहले डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट क्या सुनाई देगा, तो डायरेक्ट सुनाई देगा उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है, वही निकालना है ना, तो ये हो जाएगा न्यू नॉट इन टू, अब सोर्स मूविंग टूवर्ड्स लिसनर है तो इसको लिखेंगे 340 अपॉन 340 माइनस 5, ठीक है, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। देन एक काम करो, वॉल पे क्या सुनाई देगा, वॉल पे क्या सुनाई देगा, तो वॉल के लिए निकालते हैं न्यू वॉल, तो वॉल भी एक तरह का ऑब्जर्वर हो गया, तो इसको लिखेंगे न्यू नॉट, लेकिन वॉल से सोर्स अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 340 प्लस 5, और फिर जितना वॉल पे सुनाई दे रहा है वही वहां पे हम सोर्स बना देते हैं। तो अब देखो अगर हम इसको सोर्स बनाएंगे, तुम ध्यान से देखो, तो क्या अब ये जो नया सोर्स है एस डैश और जो लिसनर है, क्या उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली जो वॉल पे सुनाई दे रहा है वही रिफ्लेक्टेड वाली साउंड भी हो जाएगी, ये बात क्लियर है, क्योंकि वॉल भी रेस्ट पे है और लिसनर भी रेस्ट पे है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट इनका जो डिफरेंस है वो 5 बीट्स पर सेकंड है, तो रिफ्लेक्टेड कितना है, रिफ्लेक्टेड वाला छोटा है, डायरेक्ट माइनस रिफ्लेक्टेड जो है 5 है, तो डायरेक्ट माइनस रिफ्लेक्टेड कर दो, तो ये आ जाएगा 340 न्यू नॉट 1 अपॉन 335 माइनस 1 अपॉन 345 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से सॉल्व करके न्यू नॉट की वैल्यू 170 आती है क्या सभी का, बताओ बताओ, जो लोग नहीं कर पाए क्या डाउट आया, देखो क्यों भाई बताइए, कोई डाउट है तो। ये वाला स्टेप क्लियर है ना, कि न्यू वॉल को ही हमने न्यू रिफ्लेक्टेड क्यों ले लिया, क्योंकि ये भी रेस्ट पे है और वॉल भी रेस्ट पे है, वॉल चल रही होती तो एक अलग बात थी, तो वॉल पे जो सुनाई दे रहा है वही मैंने यहाँ सोर्स बना दिया, और ये वाला जो सोर्स है और ये जो लिसनर है इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। और देखो
बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब एक दो नहीं कई सारे पूछे गए हैं। ये देखो 24, देखिए, देखो करो ट्राई। हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है, इंजन अप्रोचेज अ हिल विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस 9 किलोमीटर 0.9 किलोमीटर इट ब्लोज अ विसल। तो मान लेते हैं कि इंजन हो गया ये, एंड यहाँ पे हो गई ये हिल, when it is at a distance 0.9 किलोमीटर, ठीक है, it blows a whistle, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा साउंड वेव निकाला उसने, ठीक है, और कह रहा है the echo is heard by the driver after 5 seconds, तो इसका मतलब है ये साउंड यहाँ से यहाँ गया होगा, क्यों भाई, और फिर यहाँ से टकराया होगा और वापस आया होगा, तो जाने में और आने में, अब जब तक ये वापस आया होगा तब तक ये इंजन भी यहाँ पहुंच गया होगा, क्यों भाई, ये इंजन भी यहाँ पहुंच गया होगा, तो हमें ये पता करना है कि स्पीड ऑफ इंजन क्या है। तो मान लेते हैं कि अगर इंजन का स्पीड V है और कितनी देर के बाद, 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया, तो 5 सेकंड में इंजन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस होगा वी इंटू फाइव, और साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो कितना रहा होगा, तो साउंड ने जाते समय 0.9 किलोमीटर कवर किया, तो 0.9 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, डिवाइडेड बाय साउंड की स्पीड यानी 330 प्लस वापस कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वापस कवर किया होगा 900 माइनस 5V, कितनी स्पीड से, 330 से, और इस पूरे प्रोसेस में 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो देखो यहाँ से वी निकल आना चाहिए, मतलब साउंड को जाने में टाइम और टकरा के वापस आने का टाइम, बोलो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 900 माइनस 5V हो जाएगा, तो जाने में कवर किया उसने 900 मीटर्स, आने में कवर किया उसने 900 माइनस 5V, और इसमें जो टोटल टाइम लगा वो 5 सेकंड का है, तो देखो वी में एक इक्वेशन बनी है, वी निकल आएगा, आ रहा है आंसर 30। डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा इसमें, डॉपलर इफेक्ट नहीं है इसमें, डॉपलर इफेक्ट की बात ही नहीं है, उसने ऐसा कहीं लिखा है क्या कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, साउंड की वेलोसिटी पे क्वेश्चन है ये, सिंपली ये क्वेश्चन साउंड के वेलोसिटी पे है सिंपली, ठीक है, तो थ्योरी में इतना ही है इसमें, वेव में, तो यहीं तक रखते हैं फिर इसमें आज।